मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एक पोर्शन है इनकम टैक्स का, एक पोर्शन हमारे पास है कॉरपोरेशन टैक्स का, जिसमें हम कंपनी का टैक्स की कैलकुलेशन सीखेंगे, एक पोर्शन है जिसमें हम इंडिविजुअल के टैक्स की कैलकुलेशन सीखेंगे, एक पोर्शन हमारे पास है जिसको कहते हैं चार्जेबल गेन टैक्स CGT। तो एक चार्जेबल गेन टैक्स हमारे पास है, एक टॉपिक हमारे पास है वैल्यू एडेड टैक्स, और एक टॉपिक हमारे पास है इनहेरिटेंस टैक्स IHT। ये ब्रॉडली हमारा सिलेबस है जो मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास के अंदर भी बताया था, और ये तीन सेक्शन के अंदर एग्जामिन होगा, और हम लोग जो हमारा सीक्वेंस होगा हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला एरिया है इनकम टैक्स, और इस इनकम टैक्स के अंदर हमारे काफ़ी सब एरियाज हैं, तकरीबन 12 से 13 चैप्टर, अराउंड 12 चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है इनकम टैक्स के, ह्यूज पोर्शन ऑफ इनकम टैक्स, जिसके अंदर मेनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज आर एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, ये मेनली मेन इश्यूज हैं, और इसके सब इश्यूज इसके अंदर अंदर कवर करते हैं हम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इनकम टैक्स कैलकुलेशन। सो इनकम टैक्स, देखें एक शख्स है, बोले तो आप सुने, एक शख्स है, अगर वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर उसके पास कोई इनकम आती है, तो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो जो भी इनकम अर्न करता है, जहां से भी इनकम अर्न करता है, उस इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि एक इंडिविजुअल कहाँ कहाँ से अर्न कर सकता है, और उसके ऊपर टैक्स किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बात जहन में रखें कि डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होती हैं, और डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के डिफरेंट टैक्स रेट्स होते हैं। गधा घोड़ा बराबर नहीं होता कि आप जहां से भी जो कुछ कमाएंगे उसके ऊपर एक ही तरह का रेट लगेगा। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होती हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ उसके टैक्स रेट्स लगते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो कुछ भी अर्न करता है वो सोर्स क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ से इंडिविजुअल अर्न कर रहा होता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो इंडिविजुअल के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक इंडिविजुअल कहाँ कहाँ से अर्न करता है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, इनकम कहाँ से आ रही है, उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम होगी उसको मैं अपने सिलेबस के हिसाब से तीन हिस्सों में क्लासिफाई करूंगा। उसकी पहली सोर्स ऑफ इनकम होगी इंडिविजुअल की, याद रहे हम किसको डील कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल को डील कर रहे हैं, यानी कि मैं तुम लोगों के टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपने टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा। तो इंडिविजुअल का जो पहला सोर्स ऑफ इनकम है वो कहलाता है नॉन सेविंग इनकम, यानी कि एक ऐसी इनकम जो उसने किसी नॉन सेविंग जगह से कमाई। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम उसका कहलाता है सेविंग इनकम, एक ऐसी इनकम जो उसने पैसा सेव किया और वहां से उसको इनकम मिल रही है। एंड द थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इज डिविडेंड इनकम। ये क्लासिफिकेशन है सोर्स ऑफ इनकम की, तीन क्लासिफिकेशन, दोबारा बता देता हूं। उसकी जितनी भी इनकम होंगी हमारे पास आएंगी, उसमें से पहली कैटेगरी है नॉन सेविंग इनकम, दूसरी कैटेगरी है सेविंग इनकम, और तीसरी कैटेगरी है डिविडेंड इनकम। अच्छा, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगा, लेकिन आप एक काम करें, इसको कॉपी करने के बजाय इसका तरीका ये होगा कि जैसे ये पेज अब मैंने लिख लिया ना, तो जैसे ही मैं पेज कंप्लीट करूँ आप इसका मोबाइल से इसकी पिक्चर ले लें, ताकि आप बाद में अपना रिकॉर्ड इसका मेंटेन कर सकें। इसको साथ साथ लिखेंगे फिर आप मुझे रोकेंगे तो लेक्चर डिस्टर्ब होगा। खैर, सो अब स्टूडेंट ये पूछता है कि मिस्टर एक्स, मिस्टर शाहनवाज की इस साल इनकम आई, तो
तो ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मिस्टर शाहनवाज की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नॉन सेविंग कौन सी है, सेविंग कौन सी है और डिविडेंड कौन सी है? मैंने कहा बहुत आसान है, तुम लोगों को ये पता होगा व्हाट इज डिविडेंड। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें तो शेयर्स के ऊपर जो हमें प्रॉफिट का रिटर्न मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो अगर मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे और वहां से मुझे हर साल एक डिविडेंड इनकम मिल रही है तो उसके लिए मैं सिर्फ एक कैटेगरी अलग कर दी मैंने डिविडेंड इनकम, वो सारी डिविडेंड इनकम इस एक कैटेगरी के अंदर चली जाएंगी। अच्छा, फिर सेविंग इनकम क्या होगी? सेविंग इनकम में अगर हमें कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट इनकम को मैं कहाँ लेके जाऊंगा? इंटरेस्ट इनकम को मैं सेविंग इनकम में लेके जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बैंक में एक अकाउंट खुलवा दिया। जब आप बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं और वहां पर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो टैक्स वाले उस इंटरेस्ट इनकम को सेविंग इनकम की कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे, या कहीं और से भी इंटरेस्ट आएगा तो वो भी सेविंग इनकम की कैटेगरी में काउंट होगा। अच्छा, अब नॉन सेविंग की क्या क्लासिफिकेशन होगी? तो नॉन सेविंग की कोई क्लासिफिकेशन है, अगर एक इनकम डिविडेंड नहीं है, सेविंग इनकम नहीं है, तो बाकी सारी की सारी इनकम कहां जाएगी? हमारे सिलेबस में ऑल अदर इनकम अदर देन दैट कहां जाएंगी? वो चली जाएंगी नॉन सेविंग इनकम में। तो नॉन सेविंग इनकम ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड हटा दो, सेविंग इनकम हटा दो, सबको उठा के नॉन सेविंग में डाल दो। लेकिन हमारे सिलेबस में जो तीन कॉमन नॉन सेविंग इनकम है वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार टेंशन ना हो। एक नॉन सेविंग इनकम हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम बोले तो जॉब करते हैं आप, कहीं जॉब करते हैं वहां से आपको एम्प्लॉयमेंट, आपका जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी देता है, बोनस देता है। तो अगर मैं कहीं जॉब करता हूं और वहां से हर साल मुझे जो इनकम मिलती है वो कहलाएगी नॉन सेविंग इनकम। इसी तरह अगर मेरा बिजनेस है, मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं एज अ सोल ट्रेडर या एज अ पार्टनरशिप बिजनेस, दोनों इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस से जो मैंने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को भी हम नॉन सेविंग की कैटेगरी के अंदर लेकर जाएंगे। इसी तरह अगर मेरा प्रॉपर्टी किराए पे देने का बिजनेस है तो प्रॉपर्टी किराए पे देने का जो बिजनेस होगा वहां से जो इनकम रिसीव होगी उसको भी मैं किस कैटेगरी में लेके जाऊंगा? उसको भी मैं नॉन सेविंग इनकम की कैटेगरी के अंदर लेकर जाऊंगा। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर के आपकी डिविडेंड इनकम सेपरेट होती है, आपकी सेविंग इनकम सेपरेट होती है, और इसके अलावा जितनी भी इनकम होगी उसको हम डंप कर देंगे नॉन सेविंग इनकम में। अब एक सवाल स्टूडेंट के माइंड में ये क्रिएट होता है कि सर ये बताएं कि ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं मेरे भाइयों कि डिविडेंड का टैक्स रेट अलग है, इंटरेस्ट का टैक्स रेट अलग है और नॉन सेविंग इनकम के टैक्स रेट्स अलग है। तो जब तक मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम को अलग अलग नहीं करूंगा मैं अपनी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकता। सही है जी। अब आगे बढ़ते हैं और टैक्स रेट्स के ऊपर बात करते हैं कि टैक्स रेट्स अल्टीमेटली क्या है। चले देखें जी, दुनिया में जो भी टैक्स अथॉरिटी, पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटी है FBR, यूके के अंदर टैक्स अथॉरिटी का नाम है HMRC, वहां की मलका के उसके डोमेन के अंदर होती है हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, HMRC, ये वहां की टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है। टैक्स कलेक्ट करना इनका काम है, टैक्स कलेक्शन। तो ये जो टैक्स अथॉरिटी है जब ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगाने जाएगी तो टैक्स रेट ज्यादा रखें, टैक्स रेट कम रखें, गरीब पे ज्यादा लगाएं, अमीर पे ज्यादा लगाएं, क्या करें? सिंगल टैक्स रेट रख दें, मल्टीपल टैक्स रेट रख दें? तो टैक्स रेट कैसे डिसाइड किए जाते हैं दुनिया में? देखें, दो तरह से टैक्स रेट्स बनते हैं, ये मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी हमारे सिलेबस में कौन से टैक्स रेट है थोड़ी देर में आपको पता लग जाएंगे। दो तरह से टैक्स रेट दुनिया में बनाए जाते हैं, एक कहा जाते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम, प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम, और एक कहलाते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव रेट एंड प्रोपोर्शनेट टैक्स। अगर
सबके लिए एक सिंगल टैक्स रेट लगा दिया जाए। मसलन आप कहें जी गधा घोड़ा बराबर और टैक्स रेट होगा 25% पर एनम, ये टैक्स रेट है। आज तक तुम लोगों ने यही सुना होगा कि टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, इनकम निकालो 30% से मल्टीप्लाई करो और आपकी टैक्स की पेमेंट आ जाएगी। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, प्रोपोर्शनेट टैक्स चलते हैं लेकिन प्रोपोर्शनेट टैक्स इज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम, क्योंकि इसका फ्लॉ ये है कि ये फिर गरीब पे भी 25% लगेगा और अमीर पे भी 25% लगेगा। ये क्या बात हुई? जो शख्स जितना ज्यादा कमाता है उसके ऊपर उतना ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, जो शख्स कम कमाता है उसके ऊपर कम टैक्स लगना चाहिए, और अगर एक शख्स बहुत कम कमाता है तो उसका टैक्स होना ही नहीं चाहिए आइडियली। सो जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वो इस चीज को कंसिडर करता है और वो कहता है कि कम इनकम के ऊपर कम टैक्स होना चाहिए और ज्यादा इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में भी और दुनिया के दूसरे भी मुल्कों में टैक्स के बैंड बना देते हैं, जिसको टैक्स स्लैब कहते हैं पाकिस्तान में, या उसको आप टैक्स बैंड कह सकते हैं कि आपने डिफरेंट बैंड बना दिए। जैसे आजकल के इलेक्ट्रिक वालों ने रेट्स के हिसाब से डिफरेंट बैंड्स बनाए हुए कि जी 100 units आप कंज्यूम करेंगे तो एक यूनिट 10 रुपए का होगा, 100 से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हर एडिशनल यूनिट 15 रुपए का होगा, 200 से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हर एडिशनल यूनिट 30 रुपए का होगा। बिजली का बिल निकालें उसके पीछे जाके देख लें, इसी तरह से रेट लगे हुए होते। तो प्रोग्रेसिव रेट सिस्टम जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। मैं एक जर्नल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी यूके की एग्जाम्पल नहीं दे रहा। मसलन हमने कहा कि 1 pound से लेकर 37, चलो मैं यूके का रेट दे देता हूँ आपको, क्या याद करेंगे, ये तो देना ही है मुझे। 1 pound से लेकर 37,500 pound पर एनम एनुअल रेट सही है। इसका रेट अलग होगा, इसका रेट अलग होगा, और अगर किसी शख्स की इनकम 37,500 से ज्यादा हुई तो 150,000 तक उसकी जो इनकम आएगी उसका रेट ज्यादा होगा। जैसे रेट लगा दिया मैंने 20%, फिर मैंने रेट लगा दिया 40%, डबल कर दिया रेट। और अगर कोई शख्स 150,000 से बियॉन्ड जाएगा, इससे भी ज्यादा कमाएगा, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 45%। अब ये क्या है, ये क्या हो रहा है? तो आप देखें, जैसे जैसे एक शख्स की इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका टैक्स रेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि गरीब जो होगा, जो 37,500 के अंदर कमाएगा, उसको अपनी इनकम पे 20% टैक्स देना है। अमीर जो होगा वो 20% भी देगा, एडिशनल पे 40 देगा, एडिशनल के ऊपर 45 देगा। अच्छा, इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा एक गलत एक लोगों के माइंड में होती है चीज, उसको निकाल दें कि एक शख्स ने कहा सर ये बताएं, एक शख्स की इनकम है 1,60,000 तो कौन सा रेट लगेगा, उसने कहा 45% लगेगा, ऐसा नहीं है, रॉन्ग, ऐसा नहीं। अगर आपके माइंड में किसी के ये आता है कि इसका मतलब ये है तो ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ, आज का एजेंडा यही कैलकुलेशन सीखना है हमारा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि 37,500 तक 20% लगेगा, एडिशनल के ऊपर 40% लगेगा, और उससे एडिशनल आएगा तो 45% लगेगा। सही है जी? तो ये टैक्स रेट के कॉन्सेप्ट हो गए कि टैक्स रेट या तो फिक्स कर दिया जाए या टैक्स रेट इनकम के हिसाब से बढ़ाया जाए। एक और टाइप होती है जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो अजीबोगरीब टाइप है, उसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, वो भी हमारे सिलेबस में एक जगह आएगी। ये प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। अगर प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोग्रेसिव की अगर डेफिनेशन बनाने जाएं तो एज इनकम इंक्रीजेस क्या होगा, टैक्स रेट्स इंक्रीजेस, ये प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन होगी। एज इनकम इंक्रीजेस सो टैक्स रेट्स इंक्रीजेस। तो रिग्रेसिव की डेफिनेशन क्या होगी, As income increases, so tax rates decreases. ये भी एक टैक्स सिस्टम चलता है यूके के अंदर। चले जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक अदद फॉर्मेट बनाना है, उस फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आएंगी, वो फॉर्मेट कैसे बनेगा
और फिर फाइनली हम रेट्स इस्तेमाल करके एक बेसिक टैक्स लायबिलिटी निकालने जाएंगे। तो अगर आप जस्ट फोकस करें यहाँ पर, दोबारा आ जाएं, कितनी सोर्स ऑफ इनकम है, पहली है नॉन सेविंग इनकम, दूसरी है सेविंग इनकम और तीसरी है डिविडेंड इनकम। ये हमारे पास तीन सोर्स ऑफ इनकम आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं टैक्स का प्रोफॉर्मा। एक इंडिविजुअल जब अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जाएगा तो पहले एक फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा कि उसकी इनकम को अलग कर लिया जाए और उसकी टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट की जाए। तो पहले तो एक फॉर्मेट में बना रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट इस तरह से बनेगा। फॉर्मेट में हम एक कॉलम बनाएंगे नॉन सेविंग इनकम का, ये एक कॉलम बन गया, ये फॉर्मेट कंपलसरी है। दूसरा कॉलम बनाएंगे सेविंग इनकम का, कॉलम सीक्वेंस में बनेंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। तीसरा कॉलम बनाएंगे डिविडेंड इनकम का। अच्छा, ये एज्यूम करके बनाए जा रहे हैं कि एक शख्स है जिसके पास ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इनकम आ रही है, तो इसलिए हमने तीन कॉलम बना दिए। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि एक शख्स के पास सिर्फ नॉन सेविंग इनकम हो, एक शख्स के पास सिर्फ सेविंग इनकम हो और एक शख्स के पास सिर्फ डिविडेंड इनकम हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो ये हमने तीन कॉलम बना लिए इस तरह से। अब हमने क्या किया, अब हमने इन कॉलम के अकॉर्डिंगली इनकम आइडेंटिफाई करना शुरू की। तो हमने कहा सोर्स ऑफ इनकम मैंने आइडेंटिफाई की, पहली सोर्स ऑफ इनकम आई एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम किस कैटेगरी के अंदर लिखूं? फॉर एग्जांपल मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई 20,000 की, किस कैटेगरी में लिखूं? तो रूल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट इनकम कहां जानी चाहिए? नॉन सेविंग इनकम में जानी चाहिए। तो मैंने नॉन सेविंग इनकम में लिखी और उसके बाद टोटल इनकम में डाल दी, यानी कि इस वक्त इस शख्स के पास 20,000 की इनकम है, लेकिन कौन सी इनकम है? नॉन सेविंग इनकम। फिर उसके पास मैंने अलग इनकम आइडेंटिफाई की, एक और टाइप ऑफ इनकम मुझे पता लगा इसने कमाया है, प्रॉपर्टी इनकम। 10,000 की उसकी प्रॉपर्टी इनकम है, कहाँ लिखूं? तो हमने कहा ये भी कहाँ जाएगी? नॉन सेविंग इनकम में जाएगी, ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद उसने एक बैंक से इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट इनकम आई उसके पास 5,000 की, इंटरेस्ट इनकम कहाँ लिखूं? तो हमने कैटेगराइज किया इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाती है, सेविंग इनकम में जाती है, तो हमारी इंटरेस्ट इनकम सेविंग में चली गई। साथ साथ में टोटल भी बिल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद उस शख्स के पास डिविडेंड रिसीव हुआ, तो हमने कहा जी डिविडेंड इनकम कहाँ जाएगी? तो डिविडेंड इनकम तो डिविडेंड के कॉलम में जाएगी। हमने कहा जी 3,000 की डिविडेंड इनकम रिसीव हुई, ये हमने टोटल में डाल दिया। और एज ए रिजल्ट हमारे पास अब ये सारी इनकम को हमने क्लासिफाई कर लिया, अब हम टोटल कर लेंगे। सो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ गई टोटल इनकम। इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई, ये आ गई टोटल इनकम। तो टोटल नॉन सेविंग इनकम कितनी है? 30,000। टोटल सेविंग इनकम कितनी है? 5,000। टोटल डिविडेंड इनकम कितनी है? 3,000। और टोटल इनकम कितनी है? 38,000। ये यहां तक हमारा फॉर्मेट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमने टोटल इनकम फाइंड आउट कर ली कि टोटल इनकम है 38,000 इस बंदे की, और उसके अंदर नॉन सेविंग इनकम कितनी है? 30,000। सेविंग इनकम कितनी है? 5,000। और डिविडेंड इनकम कितनी है? 3,000। क्या इस पे टैक्स लगेगा? नो, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स वाले टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगाते, बल्कि वो आपको कहेंगे कि आप एक काम करें, कुछ हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, वो रिलीफ उठा के इसमें से माइनस कर दें। अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे वो रिलीफ क्या होते हैं, लेकिन अगर रिलीफ पॉसिबल हुए तो आपने क्या करना है, वो रिलीफ उठा के इसमें से माइनस कर देना। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई रिलीफ नहीं है, सही है? तो रिलीफ को मैंने जीरो रखा, अगर कोई रिलीफ होगा तो हम माइनस कर देंगे। रिलीफ आगे जाके पढ़ेंगे क्या आते हैं। सो रिलीफ माइनस करने के बाद हमारे पास जो इनकम आएगी वो इनकम कहलाएगी नेट इनकम। इस सवाल में मैंने एज्यूम किया कोई रिलीफ नहीं है, तो मेरी नेट इनकम और मेरी टोटल इनकम बराबर आ गई।
ज्यादातर यही होता है, रिलीफ किसी किसी कंडीशन के अंदर मिलता है। अच्छा अब आप कहेंगे क्या सर क्या इसके ऊपर रेट लगेगा, तो मैंने कहा नहीं जी अभी भी कोई रेट नहीं लगा रहा मैं इसके ऊपर, टैक्स वाले बहुत जेनरस हैं, वो आपको अभी भी कुछ बेनिफिट्स और देने के मूड में है रिलीफ के बाद भी। तो मैंने कहा जी कौन सा बेनिफिट है, तो टैक्स वालों ने आपको एक बेनिफिट ये दिया, उन्होंने कहा कि आप इसमें से एक अमाउंट माइनस कर दें जिसका नाम है पर्सनल अलाउंस 12,500 आप माइनस कर दें उठा के इसके अंदर से, किसमें से माइनस कर दें नॉन सेविंग इनकम में से माइनस कर दें और टोटल में से माइनस कर दें, और आपके पास अब इनकम आ गई 30 में से 12,500 माइनस करेंगे तो 17,500 की इनकम आ गई, ये 5,000 रहा, ये 3,000 रहा और टोटल इनकम मेरी क्या बनेगी, टोटल इनकम मेरी बनेगी तकरीबन 17,500 × 3,25,000 साइड बाय साइड आप अपनी कैलकुलेशन भी मेरे साथ चेक करते जाएं। तो ये हमारी इनकम आ गई आफ्टर पर्सनल अलाउंस, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। अब पहले तो आपको ये फॉर्मेट पे काम करना है, याद करना है ये फॉर्मेट कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली दोबारा सुन लें, कॉलम बनाए नॉन सेविंग सेविंग डिविडेंड टोटल का, सारी इनकम को एक जगह लिस्ट किया, सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले निकाला टोटल इनकम, फिर क्या निकाला, फिर निकाली नेट इनकम, फिर क्या निकाला, फिर निकाला टैक्सेबल इनकम। जिस इनकम पे टैक्स लगता है वो ये इनकम हमें चाहिए, यानी कि अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बनाकर टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी एक इंडिविजुअल की। तो सो पहले टोटल इनकम निकलेगी, फिर नेट इनकम निकलेगी और उसके बाद टैक्सेबल इनकम निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा मेरा है इस वक्त अवेलेबल, इसकी नॉन सेविंग टैक्सेबल इनकम कितनी है 17,500, इसकी टैक्सेबल सेविंग इनकम कितनी है 5,000, डिविडेंड इनकम कितनी है 3,000, टोटल इनकम कितनी है 25,500। अब तुम लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर ये 12,500 क्या है, ये पर्सनल अलाउंस क्या है, क्यों माइनस किया गया यहाँ से जिसने इसकी इनकम को 30,000 से कम करके 17,500 पे ले आए। फिर तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये पर्सनल अलाउंस पहले वाले कॉलम में से क्यों माइनस किया गया, ये दूसरे कॉलम से क्यों माइनस नहीं किया गया, ये तीसरे कॉलम से माइनस क्यों नहीं किया गया। अब इन दोनों के आंसर का टाइम आया है और तीसरा सवाल ये जहन में आएगा क्या ये 12,500 फिक्स्ड है। तो इन तीनों के आंसर्स मैं आपको अभी देने जा रहा हूं कि ये फिक्स होते हैं या नहीं होते, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। तो पर्सनल अलाउंस जो हमारे पास थे 12,500, वो डिपेंड करते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास इनकम कितनी है। अगर इनकम 12,500 हुई, नहीं इसे रिलीफ नहीं कहेंगे, कहने में तो इस 12,500 को आप रिलीफ कह सकते हैं लेकिन ये रिलीफ है नहीं, इसको रिलीफ का नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं टैक्स फ्री इनकम। चाहिए कि इतनी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, आप समझने के लिए इसको रिलीफ कह सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्मेट में रिलीफ अलग डाला हुआ है ना, तो डो नॉट कंफ्यूज रिलीफ विद पर्सनल अलाउंस। जब रिलीफ आएगा तो मैं आपको रिलीफ के बारे में गाइड कर दूंगा, अभी जस्ट फोकस ऑन दिस पर्सनल अलाउंस। तो रूल ये बना कि अगर एक शख्स की इनकम 12,500 से ज्यादा होगी तो उसे टैक्स देना है, अगर एक शख्स की इनकम 12,500 या उससे कम हुई तो उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक सवाल आता है माइंड में, सर क्या ये 12,500 सबको मिलेगा, क्या ये 12,500 हर कंडीशन के अंदर सेम रहेगा, क्या ये 12,500 कम नहीं हो सकता, क्या कभी ऐसा होगा कि ये 10,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, 4,000 हो जाए, या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जीरो हो जाए। तो मैंने कहा यस, पर्सनल अलाउंस आपका रिड्यूस भी हो सकता है, पर्सनल अलाउंस आपका किसी शख्स के लिए रिड्यूस भी हो सकता है, रिड्यूस पर्सनल अलाउंस, मतलब एक शख्स को पर्सनल अलाउंस दे रहे हैं हम 4,000, चले जी तुम्हारे 12,500 नहीं मिलेंगे, वो कहने लगा ये क्या बात है यार, मुझे मेरे साथ कोई जुल्म, मुझ पे क्यों ज्यादती कर रहे हो, तो हम आपको आगे बताएंगे क्यों। तो एक शख्स का पर्सनल अलाउंस 12,500 से कम, गिवन सबका एक ही है 12,500, लेकिन मिलेगा किसको,
वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का पर्सनल लोन जीरो हो जाए? यस पॉसिबल, किसी शख्स का पर्सनल लोन जीरो भी हो सकता है। सो अब आपको एग्जाम में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम करना है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वो ये सीखना है कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि पर्सनल अलाउंस 12,500 मिलेगा, कम होगा, या पर्सनल अलाउंस आपका ज्यादा होगा। हम ये डिसाइड करेंगे। अपनी क्लास में एडमिन वाले बंदे ज्यादा नजर आ रहे हैं स्टूडेंट की जगह मुझे, तो भाई तुम लोगों का टैक्स से क्या लेना देना यार। अच्छा खैर, अब देखिए ये बात को जिन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है ना, जरा थोड़ा सा उनको मैं फॉर्मेट दिखा दूं। देखिए ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हमने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया, हमने टोटल इनकम कैलकुलेट की, उसके बाद हमने नेट इनकम कैलकुलेट की, उसके बाद हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, और इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम आ गई पर्सनल अलाउंस की, तो हम जंप करके चले गए पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन के ऊपर, और हमने ये पढ़ा कि हर शख्स को 12,500 का पर्सनल अलाउंस मिलता है, लेकिन किसी शख्स के लिए ये पर्सनल अलाउंस कम भी हो जाता है, और किसी शख्स के लिए पर्सनल अलाउंस जो है वो जीरो भी हो जाता है। सही है, अब इस डिस्कशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और हम चलते हैं टैक्स रेट्स की कंप्यूटेशन के ऊपर। टैक्स रेट्स निकालना सीखते हैं कि टैक्स रेट कैसे अप्लाई होते हैं। देखें, आपको अगर मैं दोबारा टैक्स शीट पे लेकर जाऊं तो आप देखें, ये देखें दोबारा टैक्स शीट पे आ गए हम, तो आप देखें आपको एग्जाम में जो टैक्स रेट्स दिए हुए ना, वो यहाँ फॉलो करें हम। देखें ये टैक्स रेट्स दिए हुए आपको, ये आपको टैक्स रेट्स दिए हुए, और जरा थोड़े से अजीब से लग रहे हैं ना, नॉर्मल रेट्स दिए हुए हैं, डिविडेंड का रेट दिया हुआ है, डिविडेंड का रेट अलग दिया हुआ है, नॉर्मल रेट अलग दिया हुआ है, ये देखें ये एक थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है, ये थ्रेशोल्ड बना हुआ है, ये थ्रेशोल्ड बना हुआ है, ये क्या है, ये चक्कर क्या है इसका, ये व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। सो मैं इसे अपनी लैंग्वेज में उठाकर कॉपी करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि भाई इसका चक्कर क्या है। देखें, तीन कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं इनकम की, पहली नॉन सेविंग, दूसरी सेविंग और तीसरी डिविडेंड। ये तीन कैटेगरी है इनकम की, तो तीनों के रेट्स को मैं अलग कर देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 37,500 और फॉर एग्जांपल फुरकान भाई जो है उनकी इनकम जो है वो पूरे साल की उनकी इनकम आती है 20,000 पाउंड, तो हम कहेंगे फुरकान इज अ बेसिक रेट टैक्स पेयर। जिस शख्स की इनकम 37,500 तक हो पूरे साल की, उसे कहा जाता है बेसिक रेट टैक्स पेयर, और वो जो बेसिक वाला है उसके टैक्स रेट यहां मैं लिख रहा हूं। कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%। अगर सेविंग इनकम हुई तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%। अगर डिविडेंड हुआ तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? 7.5%। इसका मतलब है अगर एक शख्स के पास नॉन सेविंग हुई तो रेट 20% लगेगा, सेविंग हुई तो 20% लगेगा, लेकिन डिविडेंड में थोड़ी सी बचत है, डिविडेंड का रेट कम है 7.5%। इसका मतलब है जिसके पास डिविडेंड आ रहा होगा उसके मजे हैं कि उसको ज्यादा टैक्स नहीं देना, सिर्फ 7.5% टैक्स देना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर एक शख्स के पास इनकम बढ़ जाती है तो वो नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर जंप कर जाएगा, विच इज कॉल्ड दी हायर रेट टैक्स कैटेगरी, और इसकी लिमिट क्या है? 37,501 से 1.5 लाख पाउंड, 1,50,000 पाउंड। मिस्टर नबील, आपने लेट ज्वाइन किया है तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये टाइप ऑफ इनकम है, नॉन सेविंग इज अ टाइप ऑफ इनकम एंड सेविंग इज अ टाइप ऑफ इनकम। अब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी इसके ऊपर हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको अपनी बातों का जवाब बीच बीच में मिलता जाएगा, मैं रिपीटेशन बहुत कर रहा हूँ चीजों की। फिर दोबारा बता देता हूँ कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनकम, वन इज कॉल्ड डिविडेंड इनकम, अदर इज कॉल्ड सेविंग इनकम, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड नॉन सेविंग इनकम। सो अगर फॉर एग्जाम्पल
एक शख्स 2 लाख रुपए अर्न करता है तो पहले मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो डिविडेंड इनकम है, सेविंग इनकम है या नॉन सेविंग इनकम है, या मिक्स है, तीनों भी हो सकती हैं एक साथ, उनको अलग अलग करना पड़ेगा और फिर अकॉर्डिंगली हम रेट चूज करेंगे। अगर किसी शख्स की इनकम 1,50,000 पाउंड तक हो जाती है तो वह हायर रेट की कैटेगरी में चला जाएगा। अब उसका रेट हो गया डबल, ये मैंने रेट डबल नहीं किया भाई, मेरा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है, टैक्स वालों का रूल है। यहां भी रेट क्या हो गया डबल, और यहां पर रेट हो गया 32.5%। यानी कि नॉन सेविंग का रेट डबल, सेविंग का रेट डबल और डिविडेंड का रेट 7.5 से उठकर 32.5 पे चला गया, डबल नहीं हुआ बल्कि बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया। अब आप कहेंगे इससे ज्यादा इनकम हो सकती है, तो मैंने कहा हाँ हो सकती है। इससे ज्यादा अगर किसी की इनकम होती है तो वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर बन जाएगा। कितनी इनकम पे बनेगा, जब उसकी इनकम 1,50,000 से अबव चली जाए, यानी कि 1,60,000 हो, 1,70,000 हो, 1,80,000 हो, तो इसमें कुछ चौथी कैटेगरी बनेगी। हमने कहा जी कुछ चौथी कैटेगरी नहीं बन सकती। पहली कैटेगरी क्या है, बेसिक रेट टैक्स पेयर, दूसरी कैटेगरी क्या है, हायर रेट टैक्स पेयर, और तीसरी कैटेगरी क्या है, एडिशनल रेट टैक्स पेयर, और कोई चौथी कैटेगरी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का टैक्स स्लैब देखोगे तो उसके अंदर 7, 8, 9, 10 कैटेगरीज आपको मिलेंगी, लेकिन यूके के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, बेसिक रेट टैक्स पेयर, हायर रेट टैक्स पेयर एंड एडिशनल रेट टैक्स पेयर। अच्छा, अब क्या होगा जनाब, क्या उसका टैक्स रेट बढ़ेगा? यस, टैक्स रेट कहाँ पहुंच जाएगा, टैक्स रेट पहुंच गया 45% पर। यहाँ टैक्स रेट कहाँ पहुंचेगा, 45% के ऊपर। अच्छा, ये दोनों तो सेम लग रहे हैं ना, ये सेम नहीं है, नॉन सेविंग के रेट्स भी सेम है, सेविंग के रेट्स भी सेम है, तो आपको जो शीट प्रोवाइड की गई है उसके अंदर इसने दोनों को मर्ज करके लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन हम इसे अलग अलग कंसिडर करेंगे क्योंकि अप्लाई दोनों को अलग अलग करना है, तो हम इसको मिक्स नहीं कर रहे, हम कहते हैं भाई ये अलग और ये अलग, तीनों कैटेगरीज अलग कर देते हैं। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है डिविडेंड इनकम कितनी होगी टैक्स 32.5 से, तो इसका रेट आ जाएगा 38.1%। अब आप देखें, मैं आपको दोबारा शीट दिखाता हूँ, भाई वीडियो बंद कर दो, हमारी वीडियो की हमें ज़रूरत नहीं है, बंद करो वीडियो जिसने ऑन की है, तो मैं आपको दोबारा शीट दिखाता हूँ, ये देखें जी मेरे रेट्स के अंदर और जो यहाँ रेट्स लिखे हुए हैं उसके अंदर आपको कोई फर्क नज़र आ रहा है? मैंने 3 कॉलम बनाए, उसने 2 कॉलम बनाए, नॉर्मल रेट्स और डिविडेंड रेट्स। तो ये जो नॉर्मल रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट कवर्स नॉन सेविंग इनकम एज वेल एज सेविंग इनकम। तो मैंने आसानी के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने हिसाब से इसको इस तरह से 3 कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि स्टूडेंट को ये फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, उसको पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन सीखनी है। और तीसरी चीज क्या है, उसको इस रेट्स को अप्लाई करना सीखना है। रेट याद नहीं करने, रेट को अप्लाई करना सीखना है कि किस तरीके से हम रेट्स लगाएंगे। सही है जी। तो हम सबसे पहले चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए 3 तरह की इनकम नहीं डालते, बल्कि ये एक ले लेते हैं कि हमारे पास एक ही तरह की इनकम है। पहले स्टार्ट लेंगे नॉन सेविंग से, उसको कवर करेंगे, फिर स्टार्ट लेंगे सेविंग, फिर आएंगे डिविडेंड के ऊपर, फिर आखिर में तीनों को मर्ज कर देंगे और फिर एक पूरी रेट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि रेट्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। चले अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको आगे लेके चलते हैं। एक दफा फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं उसके अंदर एक हेडिंग आती है टोटल इनकम की। टोटल इनकम में से हम कुछ रिलीफ माइनस करते हैं, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हमारे पास एक कैटेगरी बनती है नेट इनकम की, यह आपको याद होना चाहिए फॉर्मेट। और उसके बाद हम इस नेट इनकम में से
पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे जितने भी अवेलेबल होंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा टैक्सेबल इनकम। मुझे तलाश है टैक्सेबल इनकम की, क्योंकि मुझे जो टैक्स रेट लगाने हैं, टैक्स किसके ऊपर लगता है? टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो सर क्या टोटल इनकम, नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम बराबर हो सकती है? यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि टोटल इनकम, नेट इनकम और पर्सनल अलाउंसेस अगर ना हो तो टोटल इनकम, नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों बराबर हो सकती हैं। ये मैं सवाल में डालूंगा तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। पर्सनल अलाउंस अभी हमने क्या पढ़े, पर्सनल अलाउंस कितने हैं? एक साल के गिवन पर्सनल अलाउंस कितने हैं? 12,500। लेकिन याद रहे ये 12,500 फिक्स नहीं है, समटाइम्स 12,500 लिख रहा हूँ, समटाइम्स उससे कम लिखूंगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि किसी के लिए मैं इसे जीरो भी कर दूंगा। मैं वन बाय वन इसके ऊपर अब आगे वर्किंग के अंदर जा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट विद दी मुख्तसर से एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ ए बी सी लिमिटेड, सही है? हिज एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी, सैलरी समझना आप इसको, एम्प्लॉयमेंट इनकम इज सैलरी, हिज एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 22,500। कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी, इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी। सिंपल सी एग्जांपल से लेके चल रहे, मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है जो के कितनी इनकम अर्न कर रहा है, 22,500, उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इनकम किस कैटेगरी के अंदर जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर हम हटा दें तो जितनी भी इनकम होगी वो किस कैटेगरी में जाएगी, वो जाएगी इट्स अ नॉन सेविंग इनकम। अब देखो आजकल सब मास्क लगा के घूम रहे हैं, सही है? तो पता ही नहीं लग रहा कि ये शी है, क्या है, चक्कर है। तो अगर डाकू है, अच्छा इंसान है, चले मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, डाकू है, अच्छा इंसान है, पहले तो मास्क लगा के डाकू जो है ना वो मोबाइल छीनते थे, जो है ना लुटेरे मोबाइल छीनते थे, अब सब मास्क लगा के घूम रहे हैं, पुलिस वाले भी मास्क लगा के घूम रहे हैं, मोबाइल छीनने वाले भी मास्क लगा के घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपके पास कोई इनकम आए आपको एब्रप्टली उसकी क्लासिफिकेशन सीखनी है कि क्लासिफिकेशन क्या है, इट्स अ नॉन सेविंग इनकम। अब क्या करें, अब नॉन सेविंग इनकम आ गई तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। हमने एक फॉर्मेट बनाया और फॉर्मेट में हेडिंग डाली नॉन सेविंग इनकम, और क्योंकि एक अकलौती इनकम है तो साथ में कॉलम बना दिया टोटल का, यहां लिखा एम्प्लॉयमेंट इनकम और इसको डाल दिया 22,500 की नॉन सेविंग इनकम, 22,500 की नॉन सेविंग इनकम। ये मैंने यहाँ पर इसको फॉर्मेट में डाल दिया। अब फॉर्मेट वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है इतना कोई खास यहाँ पर, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से, रूल के हिसाब से मैंने रिलीफ माइनस किया, रिलीफ क्या है, ज़ीरो। सो रिलीफ माइनस करने के बाद, अभी स्टूडेंट ये बता दूँ मैं आपको, मैं रिलीफ को छेड़ना नहीं चाह रहा, तो मैं अपने हर सवाल में रिलीफ को क्या रखूँगा कि रिलीफ है ही नहीं। तो रिलीफ माइनस हो गया तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया नेट इनकम। ये फॉर्मूला समझ लें हम, नेट इनकम कितनी है 22,500। फिर इसमें से मैं पर्सनल अलाउंस माइनस करूंगा तो पर्सनल अलाउंस आपकी टैक्स शीट के अंदर लिखे हुए हैं 12,500। तो ये 12,500 का पर्सनल अलाउंस हमने डिडक्ट किया क्योंकि ये टैक्स फ्री इनकम है, इस पर टैक्स तो नहीं देना होता। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा एंड दैट इज कॉल्ड योर टैक्सेबल इनकम। कितनी टैक्सेबल इनकम आएगी, 22,500 में से 12,500 माइनस कर दिया जाए तो आई थिंक 10,000 की नॉन सेविंग इनकम आ गई। टोटल भी यही है, नॉन सेविंग इनकम भी यही है। सो हमारे पास इस वक्त
टैक्सेबल इनकम कितनी है 10,000 की। अब ये देखें, चेक करें कौन सी इनकम है हमारे पास इस वक्त, हमारे पास इस वक्त कौन सी इनकम पड़ी हुई है, हम इसमें डील कर रहे हैं। तो किस बैंड में पड़ी हुई है, क्या ये 37,500 के अंदर लाए कर रही है? यस, तो हम कहेंगे ये जो शख्स है इसकी इनकम को देखकर मैंने कहा कि ये शख्स एक बेसिक रेट टैक्स पेयर की कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहा है, ताकि उसका रेट में अकॉर्डिंगली उसको ज्यादा ना लगा दूं, उसको रेट उतना ही लगाऊंगा जो बेसिक वाले को पे करना। तो 10,000 की इस साल की इस बंदे की इनकम है। अब आपको ये बताना है कि इसको टैक्स कितना पे करना है। तो बड़ा आसान है, आपने कहा 10,000 उसकी इनकम है और रेट कितना लगेगा, रेट लगेगा 20%। तो उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई 2,000। दिस इज इनकम टैक्स लायबिलिटी, ये उठा के आप टैक्स अथॉरिटी को देना है। आपको 10,000 की इनकम के ऊपर आपको 2,000 का टैक्स देना है। जरा एक नजर देख लें इसको, जो मैंने कैलकुलेशन की है, पहले मैंने 10,000 की टैक्सेबल इनकम निकाली, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने रेट चेक किया, रेट बेसिक वालों का 20% था और मल्टीप्लाई करके 2,000 आंसर आ गया। तो जरा एक नजर आप लोग इस पूरे सवाल को देख लें और उसके बाद फिर हम इसके बाद वन बाय वन एग्जाम्पल करते जाते हैं, और मैं थोड़ी बहुत चीजें जो है ना वो आगे एनहेंस करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी पहली और दूसरी क्लास के अंदर हम थोड़े से वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खेलेंगे, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उसके बाद फिर इस काबिल होंगे कि स्पीड बढ़ाएं अपनी। चले जी, अगली एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं मैं आपको, एक और शख्स की एग्जाम्पल लेते हैं। सो अनदर क्वेश्चन, अब मैं उसी एम्प्लॉयमेंट इनकम को लेके चलता हूं। एक शख्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 42,500। कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी, पहले इनकम कम थी, अब इनकम मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। अगेन इट्स अ नॉन सेविंग इनकम, इस कैटेगरी में जाएगी, इट्स अ नॉन सेविंग इनकम। हमने कहा ठीक है हम सवाल सॉल्व करते हैं, इट्स अ नॉन सेविंग इनकम। तो नॉन सेविंग इनकम का एक कॉलम बनाया, टोटल इनकम का एक कॉलम बनाया और यहां लिख दिया इट्स एन एम्प्लॉयमेंट इनकम। 42,500 इज द ओरिजिनल इनकम, 42,500 इज द ओरिजिनल इनकम। क्या माइनस करूं, अब तो तुम्हें फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए। पहले रिलीफ माइनस करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान में रहे कि सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन में वर्किंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, तो आप बस आंसर पे फोकस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, वरना आपको एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो पर्सनल अलाउंस 12,500 माइनस किए और 12,500 यहाँ से भी माइनस किए, तो आपके पास जो टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बनेगी, टैक्सेबल इनकम आपकी बन गई आई गेस 30,000 की टैक्सेबल इनकम बन गई। और कौन सी कैटेगरी है टैक्सेबल इनकम में, नॉन सेविंग इनकम, पहली कैटेगरी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्या ये शख्स बेसिक रेट टैक्स पेयर है, क्या ये शख्स हायर रेट टैक्स पेयर है, क्या ये शख्स एडिशनल रेट टैक्स पेयर है? तो हम कहेंगे 37,500 से कंपेयर कर लो,
तो ये शख्स कौन है, ये शख्स बेसिक रेट टैक्स पेयर है। मेरी पिछली एग्जाम्पल में भी मैंने बेसिक रेट टैक्स पेयर एज्यूम किया था और इस एग्जाम्पल में भी इसको बेसिक रेट ही बनाई है। हालांकि इसकी इनकम ओरिजिनल 42,500 थी, लेकिन पर्सनल अलाउंस मिलने के बाद ये बेसिक रेट टैक्स पेयर की कैटेगरी के अंदर आ गया। तो अब इनकम टैक्स का रेट कौन सा लगेगा, पहला वाला रेट लगेगा। सो इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 30,000 की टैक्सेबल इनकम ली, उसको मल्टीप्लाई किया 20% से और आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई 6,000। तो दिस इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब मैं आपको एक लम्हे के लिए, तो देखें अब मैं एक शख्स की एग्जांपल लेता हूं और उस शख्स को मैं उठाकर बना देता हूं, उस शख्स को मैं उठाकर बना देता हूं, थोड़ा सा अमीर कर देता हूं। सो एक शख्स है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम हमारे पास आ रही है फॉर एग्जांपल से सपोज 62,500। अब आप यहां से काम शुरू होगा सही वाला कि रेट कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेसिक रेट से अगर ज्यादा आ जाएगा तो 20% रेट भी है, 40% रेट भी है, 45% भी रेट है, स्टूडेंट का सर चकराना शुरू होता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये जिनका सर चकराए ना आज जाके कि इलेक्ट्रिक का बिल निकाले, उसकी बैक साइड के ऊपर जाके यूनिट्स चेक करें, उस यूनिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, आपको और सर चकराएगा। आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम 62,500 और कुछ नहीं है उसके पास। कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी, कौन सी टाइप ऑफ इनकम है, नॉन सेविंग इनकम। ठीक है जी, नॉन सेविंग इनकम। फिर दोबारा फॉर्मेट बनाते हैं, तुम लोगों को सिखाने के लिए फॉर्मेट बार बार बना रहा हूं, वरना मुझे छोटी छोटी एग्जांपल में फॉर्मेट की जरूरत यूज करने की नहीं पड़ती जब तक एक से ज्यादा टाइप ऑफ इनकम ना आ जाए। लेकिन टू स्टार्ट विद इट्स फाइन, इसी बहाने फॉर्मेट हम सीख जाएंगे पक्का पक्का। तो हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम ली 62,500, उसे नॉन सेविंग की कैटेगरी में क्लासिफाई किया, उसमें से रिलीफ डिडक्ट किया, रिलीफ अगेन एज्यूम टू बी जीरो, रिलीफ माइनस किया, रिलीफ माइनस करने के बाद भी सेम इनकम बनी 62,500। अगर आप रिलीफ ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप नेट इनकम भी लिख सकते हैं, नेट इनकम आ गई। तो ये नेट इनकम लिखने का पता पर्पस क्या है, आगे जाकर इस नेट इनकम से मैं एक नई टाइप ऑफ इनकम ड्राइव करूंगा, इसलिए मैं बार बार नेट इनकम अलग अलग दिखा रहा हूँ। नेट इनकम आ गई, उसके बाद आपने पूछा सर पर्सनल अलाउंस मिलेगा इसको, मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा, टैक्स शीट के अंदर लिखा हुआ है 12,500। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि आप पर्सनल अलाउंस की जगह 12,500 नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे 8,000, 10,000, 6,000, 4,000, या फिर आप पता क्या लिखेंगे, आप पर्सनल अलाउंस की जगह एक खूबसूरत सा जीरो बना देंगे। वो वक्त आने वाला है, जल्द आने वाला है, थोड़ी देर के अंदर। तो हमने इसमें से ये माइनस किया, तो 62,500 में से 12,500 अगर मैं माइनस कर दूं तो आई गेस मेरे पास जो इनकम आएगी वो आएगी 50,000। अब ये शख्स थोड़ा सा अमीर हो गया और ये बेसिक रेट की कैटेगरी से बाहर आ गया, इसकी टैक्सेबल इनकम 37,500 से एक्सीड कर गई। एम आई राइट, इनकम इसकी 37,500 से एक्सीड कर गई। तो क्या हम इसे बेसिक रेट टैक्स पेयर बोल सकते हैं, जी नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस शख्स की इनकम 37,500 से ज्यादा हो जाती है उसका नाम चेंज करके उसको कहा जाएगा कि ये शख्स अब किस कैटेगरी में आ गया, ये हायर रेट टैक्स पेयर की कैटेगरी के अंदर आ गया। अब इसके टैक्स रेट देखें कैसे अप्लाई होते हैं। देखिए हमने ये पढ़ा है कि 1 pound से लेकर 37,500 pound तक जो रेट लगता है वो 20% होता है, और 37,501 से जो एडिशनल इनकम होती है उसका रेट डबल होता है, 40% होता है। ये हमने पढ़ा है।
अब मैं इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि 50,000 की इनकम आई, उन्होंने उसको चेक किया, उन्होंने कहा ये जो 50,000 है वो तो इसके अंदर आ रहे हैं ना, वो तो यहाँ आ रहे हैं ना 50,000, तो इसका रेट क्या होना चाहिए, 40%। 50,000 उठाया, 40% से मल्टीप्लाई किया, 20,000 का टैक्स दे दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अप टू का कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर 37,500 तक इनकम होगी तो उस पर रेट लगेगा 20%, और एडिशनल अगर इनकम आएगी तो एडिशनल इनकम के ऊपर 40% टैक्स लगेगा, वरना तो मर जाएगी पब्लिक अगर इस तरह से रूल बना दो। अब देखिए, मैं इसको अप्लाई करके आपको सिखाता हूं कि 50,000 की इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। देखें, अप टू 37,500 पे टैक्स कितना लगना चाहिए, 20% टैक्स लगना चाहिए, और ये बनता है मेरे हिसाब से कितनी लायबिलिटी बनी, 7,500 की लायबिलिटी बनी। कितनी इनकम पे टैक्स लग चुका, 37,500। टोटल इनकम कितनी है, 50,000। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ नीचे लाइन लगाएं और यहाँ लिख दें 50,000, ताकि आपको एडिशनल इनकम आइडेंटिफाई करने में आसानी, और यहाँ लिख दें एक्सेस इनकम, और ये एक्सेस इनकम आ गई कितनी, 12,500 की इनकम बच गई, जो कि अगली कैटेगरी के अंदर चली गई, और अगली कैटेगरी के अंदर रेट हो गया डबल। तो जब रेट डबल हो गया तो ये बन गया आपका 5,000, और आपका जो आंसर आया वो आया 12,500 की इनकम टैक्स लायबिलिटी। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं थोड़े बहुत, मैंने इसको बहुत ही प्लेन और सिंप्लीफाई रख के कैलकुलेशन दिखाई है कि अप टू के ऊपर 20% रेट लगा, और एक्सेस इनकम जितनी भी आई उसके ऊपर हमने 40% का रेट लगाया, और हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी बन गई 12,500। एक एग्जाम्पल और करूंगा तो इट वुड बी मोर क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर किसी को इसकी पिक लेनी है तो मैं जरा इसको ले लें, जरा अगर किसी को पिक्चर लेनी है तो क्वेश्चन की पिक्चर ले लें, उसके बाद मैं आंसर की डिस्क्लोज करता हूँ, आंसर की पिक्चर ले लें, फिर हम एक एग्जाम्पल और हायर रेट की कैटेगरी की करेंगे, और उसके बाद हम जंप करके चले जाएंगे एडिशनल रेट की कैटेगरी के ऊपर। बहुत प्यार मोहब्बत से जो ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। चलिए, अनदर क्वेश्चन, थोड़ा सा इनकम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अभी मैं सिर्फ नॉन सेविंग इनकम की कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो एम्प्लॉयमेंट इनकम मैंने ले ली फॉर एग्जांपल 92,500। कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। एक शख्स है, वो 92,500 उसको जॉब से मिल रहे हैं सैलरी की फॉर्म में, आपसे पूछा जा रहा है ये बताएं उसको टैक्स कितना देना है। तो आपने कहा ठीक है निकाल देते हैं, मसला ही नहीं। इफ यू अलाउ मी, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ये नॉन सेविंग इनकम आई, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इनकम लिखी 92,500, इसमें से माइनस किया पर्सनल अलाउंस। देखो, अब तक एक बात सोचने की है कि मैं ब्लाइंडली 12,500 माइनस कर रहा हूँ बगैर सोचे समझे। सो 12,500 माइनस किया, इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई 80,000। इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई 80,000। अब इसके ऊपर टैक्स लगाना है, क्या ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है? आंसर इज नो। ये भी कौन है? ये भी हायर रेट टैक्स पेयर है, इसको हमने कैटेगराइज कर दिया कि 37,500 से टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ रही है तो ये हायर रेट टैक्स पेयर है। नाउ इट्स वेरी इजी,
टू कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब मैं इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने जा रहा हूं, तो अप टू 37,500 के ऊपर मैं 20% टैक्स लगाऊंगा और जितनी एडिशनल और एक्सेस इनकम आएगी उसके ऊपर 40% का टैक्स रेट लगाऊंगा। होपफुली किसी ने, हो सकता है, इसको सॉल्व भी कर लिया हो। अब देखें, सो अप टू 37,500 बेसिक रेट कितना लगेगा, 20%, 7,500 की टैक्स लायबिलिटी आ गई और टोटल इनकम हमारी बन रही है 80,000। सो 80,000 में से अगर मैं 37,500 माइनस करूं तो ये बनते हैं 42,500। एक्सेस आ गया और इस एक्सेस के ऊपर अगर मैं 40% का रेट लगाऊं तो ये 40% का रेट मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा, तो ये 40% का रेट क्या बनता है, 42,500 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ये बनता है 17,000 और टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 17,000 प्लस 7,500, इट्स 24,500, इट्स योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा, आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीजों को जज कर रहे हैं और किस तरीके से हम आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलें अभी तो एक दो सवाल ले लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। बारह हजार पाँच सौ चलें अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एडिशनल कैटेगरी के ऊपर जाते हैं और अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और वो है कि पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन। तो मैं आपको टैक्स शीट की तरफ दोबारा लेकर चलता हूँ, जरा टैक्स शीट पे दोबारा जंप करते हैं और देखते हैं कि टैक्स रूल्स हमें क्या बता रहे हैं। जस्ट फोकस ऑन पर्सनल अलाउंस पे आ जाएं और यहां से देखें यहां पर आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी जो आपको फोकस करनी है। एक आपको नजर आ रहा है पर्सनल अलाउंस 12,500 जो मैं अब तक इस्तेमाल कर रहा था और एक आपको नजर आ रहा है इनकम लिमिट 1,00,000 की। यहां से कहानी खराब होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है Where adjusted net income is 1,25,000 or more, the personal allowance is reduced to zero. The student कहेगा सर ये 1,00,000 क्या लिखा हुआ है, what is 1,00,000 income limit, what is 1,25,000, what is adjusted net income, कब ये zero होगा, कब इधर से आएगा, कब इधर जाएगा, what to do, तो इसको कैसे handle करें। तो उन्होंने कहा है ना यार handle करवाने के लिए, अभी बताते हैं कैसे handle करते हैं। तो अभी आप जस्ट इस पर्सनल अलाउंस की इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं और सीखते हैं कि पर्सनल अलाउंस कब 12,500 मिलेगा, कब जीरो हो जाएगा और कब पर्सनल अलाउंस जो होगा हमारा वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, उसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। आज सारा हो नहीं पाएगा, वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है, तो फिर इस रेट को हम दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे हायर, लेकिन हायर रेट एडिशनल रेट पे जाने से पहले हमें पर्सनल अलाउंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा जहां पर मेरा पर्सनल अलाउंस का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में होगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय इंग्लिश, तो जरा सुन लेना अगली क्लास से पहले। तो पर्सनल अलाउंस की लिमिट हमें बताई गई कि जी टैक्स ईयर के लिए पर्सनल अलाउंस की लिमिट कितनी है, 12,500 की, और एक चीज लिखी हुई थी इनकम लिमिट कि आपकी इनकम की लिमिट है 1,00,000 पाउंड और साथ ही जुमला लिखा हुआ था कि इफ
एडजस्टेड नेट इनकम इज 1,25,000 और मोर देन पर्सनल अलाउंस इज जीरो. अब इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं. देखिए इसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है एडजस्टेड नेट इनकम. ये क्या है? तो मैं कहता हूं यार चले आप एडजस्टेड का वर्ड खा जाए और अभी इसको समझ लें. क्या इसको समझ लें आप नेट इनकम. कि अगर एक शख्स की नेट इनकम 1,25,000 या उससे ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? पर्सनल अलाउंस हो जाएगा जीरो. अब आंखें बंद करके जो ना उस शख्स का पर्सनल अलाउंस जीरो कर देंगे. लेकिन अगर एक शख्स का पर्सनल अलाउंस सॉरी इनकम लिमिट कितनी दी हुई है? इनकम लिमिट दी हुई है 1,00,000. अब इसको समझे, इस इनकम लिमिट को समझे. अब मैं तीन सिनेरियो बना रहा हूं. इफ एडजस्टेड नेट इनकम इज लेस देन इक्वल टू 100,000, पहला सिनेरियो. कंडीशन नंबर वन. कंडीशन नंबर टू, इफ एडजस्टेड नेट इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,25,000. ये दो एक्सट्रीम हो गए, 1,00,000 से कम, 1,25,000 से ज्यादा. तीसरा सिनेरियो क्या बनेगा? इफ ए एन आई दैट इज एडजस्टेड नेट इनकम इज बिटवीन 100,000 टू 1,25,000, इसके दरमियान आ रही है. तो ये तीन सिनेरियो बन सकते. अब आपने जब फॉर्मेट बनाया, आपने टोटल इनकम निकाली, रिलीफ माइनस किया, नेट इनकम आई, तो आपको जरा रुक जाना है. पर्सनल अलाउंस से पहले आपको जरा रुक जाना है, सोचना है कि आप ए कैटेगरी में आ रहे हैं, आप बी कैटेगरी में आ रहे हैं, आप सी कैटेगरी में आ रहे हैं. अगर आप ए कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, क्या आपकी इनकम लिमिट 1,00,000 से कम है? नेट इनकम या एडजस्टेड नेट इनकम आपकी 1,00,000 या 1,00,000 से कम है, तो आप आंखें बंद करें और लिख दें पर्सनल अलाउंस फुल मिलेगा. कितना मिलेगा? 12,500 का पर्सनल अलाउंस एंजॉय करें. ऐसे शख्स को 12,500 का फुल पर्सनल अलाउंस मिलेगा. लेकिन अगर किसी शख्स की इनकम 1,25,000 या उससे ज्यादा हो जाए तो उसका इंटाइटलमेंट खत्म. चिल करें, अब आप वो गरीब आदमी नहीं रहे जिसको टैक्स फ्री इनकम मिलनी चाहिए थी. आपका पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? आपका पर्सनल अलाउंस हो जाएगा जीरो, क्योंकि आप बहुत अमीर आदमी होगा और आपकी टैक्स फ्री टाइप की कोई इनकम नहीं. ये तो बड़े आसानी से समझ में आ जाता है स्टूडेंट को. लेकिन अगर किसी शख्स की इनकम 1,05,000 आए, 1,10,000 आए, 1,20,000 आए, 1,15,000 आए, तो अब क्या होगा? अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. अब यहाँ पर आपका जो पर्सनल अलाउंस होगा वो रिड्यूस्ड पर्सनल अलाउंस होगा, यानी कि मिलेगा जरूर लेकिन पूरा 12,000 नहीं मिलेगा. अब आपको पर्सनल अलाउंस कितना मिलेगा? 12,500 से कम, जीरो से ज्यादा मिलेगा. तो हमें इसकी कैलकुलेशन सीखनी है कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं. और एग्जाम में पहले कैलकुलेशन करके पीए निकालेंगे और उसके बाद टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, फिर रेट लगाएंगे और उसके बाद इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? तो आप अगर कुछ आपको पूछना है इस कॉन, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स के पास नेट इनकम पड़ी हुई है, इसको मैं एडजस्टेड नेट इनकम कह रहा हूं फॉर द टाइमिंग. हमें ये कैलकुलेट करना सीखनी है. अभी नेट इनकम और एडजस्टेड नेट इनकम को मैं सेम एज्यूम कर रहा हूं. एक शख्स के पास नेट इनकम पड़ी हुई है 1,20,000 की. उसने अपनी नेट इनकम कैलकुलेट की, आंसर आ गया 1,20,000 का. किस कैटेगरी में फॉलो हुआ? पहली वाली कैटेगरी में? नो. दूसरी कैटेगरी में? नो. तीसरी कैटेगरी में? यस. तीसरी कैटेगरी के अंदर वो फॉल हो गया, 1,20,000 की नेट इनकम. सो अब उसका जो पीए है वो रिड्यूस हो जाएगा. पीए विल बी रिड्यूस्ड. कैसे रिड्यूस होगा? पहले तो मैं कैलकुलेशन करता हूं, शायद कैलकुलेशन में समझ में आ जाए. सबसे पहले आप लिखें पर्सनल अलाउंस अवेलेबल. कितना पर्सनल अलाउंस है? 12,500. फिर आप इसमें से कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दें, रिडक्शन. ये रिडक्शन कैसे निकलेगी? देखें ये रिडक्शन कैसे निकाल दें. सबसे पहले ले लें आप अपनी ए एन आई, उसको कंपेयर करें 1,00,000 से, एक्सिस निकालें और उस एक्सिस का आधा कर दें, हाफ कर दें.
जो आंसर आए वो इसमें से माइनस कर दी। मेरे सवाल में एएनआई कितना है, 1,20,000। इनकम लिमिट कितनी है, 1,00,000। कितना एक्सेस आया, 1,00,000 से जितना एक्सेस आएगा उसका आधा कर दें 50%। तो 1,00,000 से कितना एक्सेस आया, 20,000। 20,000 का आधा किया, 20,000 का आधा कितना होता है, या आधा रूल है, तो आधा बनता है 10,000। 10,000 की रिडक्शन होगी, 10,000 की रिडक्शन होगी। पर्सनल अलाउंस अवेलेबल कितना है, 12,500। रिडक्शन कितनी है, 10,000 की रिडक्शन है। तो बाकी पर्सनल अलाउंस कितना बचा, 12,500। अब मैं अपनी टैक्स फॉर्मेट के अंदर पीए कितना लिखूंगा, 12,500 नहीं लिखूंगा, बल्कि कितना लिखूंगा, 2,500 लिखूंगा। मेरा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होके 2,500 पे पहुंच गया। तो आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि अगर आपकी इनकम 1,00,000 से इंक्रीज होगी तो आपका पर्सनल अलाउंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जितनी इनकम 1,00,000 से ज्यादा होगी, हर एक्सिस का 50% रिडक्शन होगी। तो अगर 10,000 ज्यादा होगी तो 50%, अगर 2,000 ज्यादा होगी तो 1,000, और अगर 3,000 ज्यादा होगी तो 15%। एक और एग्जांपल करते हैं, चलें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक शख्स की नेट इनकम आ रही है 1,12,000। क्या ये 1,00,000 से ज्यादा है, कंपेयर करें इसको 1,00,000 से। 1,00,000 इनकम लिमिट है, 1,00,000 से कंपेयर करें कितना एक्सेस आ रहा, 12,000। ये एक्सेस निकाल लें, अपनी नेट इनकम को 1,00,000 से कंपेयर करें, एक्सेस निकालें, जितना एक्सेस आ रहा है उस एक्सेस का हाफ कर दें, 50% निकाल दें, हाफ कर दें, कितना आया, दिस इज रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस। दोबारा सुनना, नेट इनकम फाइंड आउट की, उसको 1,00,000 से कंपेयर किया, कंपेयर 1,00,000 से ही करना, 1,00,000 से ज्यादा है, एक्सेस निकालें, एक्सेस को आधा करें, हाफ कर दें, और उस हाफ को रिडक्शन इन पीए कर दें, और पीए लें 12,500, उस 12,500 में से ये रिडक्शन माइनस कर दें, कितनी रिडक्शन बन रही है, 6,000। रिमेनिंग पीए कितना बना, 6,500 का पीए बना, अवेलेबल पीए। एक और काम करते हैं, तो तुम कैलकुलेटर पे कर सकते हो। अभी मैंने एडजस्टेड नेट इनकम और नेट इनकम को सेम एज्यूम किया हुआ है, मैं इसमें जरा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा तुम लोगों को, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि एडजस्टेड नेट इनकम और नेट इनकम क्या होती है। अभी बराबर है, सपोज कर लो बराबर है, नेट इनकम इज सेम एज एडजस्टेड नेट इनकम, क्योंकि ये बाज दफा बराबर भी हो जाती है। अभी जस्ट फोकस ऑन द कैलकुलेशन। एक और एग्जांपल ले लो, चलो तुम्हारे समझाने के लिए, कि हमारे पास नेट इनकम आ रही है से सपोज 1,08,000। क्या ये 1,00,000 से ज्यादा है, क्या ये इनकम लिमिट से ज्यादा है, हमारी इनकम लिमिट कितनी है, हमारी इनकम लिमिट है 1,00,000। क्या ये इनकम लिमिट से ज्यादा है, यस yes. कितना ज्यादा है, एक्सेस निकालें, एक्सेस कितना आया, 8,000। ठीक है, व्हाट टू डू नाउ, एक्सेस को क्या करें, यार ये तजुर्बे नहीं करो भाई, हरकतें नहीं करो। एक्सेस निकाला, 8,000 आ गया, और अब इस एक्सेस को क्या करें, इसका हाफ कर दें, कितना आया हाफ, 4,000। This is called reduction. Personal allowance available कितना है, 12,500। Reduction कितनी हुई, reduction हो गई 4,000 की। Available personal allowance कितना बचा, 8,500। सोचो अगर एक शख्स की इनकम एग्जैक्टली 1,25,000 हो जाए, तो हमें वैसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन।
कि अगर एक शख्स की इनकम 25 हो जाती है आपकी, फॉर एग्जांपल एक शख्स की इनकम आ जाती है, नेट इनकम आ जाती है एक शख्स की 1,25,000। लेट्स कैलकुलेट, इनकम लिमिट है 1,00,000 की। समझने वाले आराम से समझ जाएंगे इससे। कितना एक्सेस आ रहा है? एक्सेस आ रहा है 25,000। हाफ करो, हाफ कितना हुआ? 12,500। रिडक्शन कितनी हो गई? 12,500। अब पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन करें, पर्सनल अलाउंस कितना है? 12,500। रिडक्शन कितनी करनी है 12,500। तो पर्सनल अलाउंस कितना हुआ? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शख्स की इनकम 1,25,000 तक पहुंच जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज इनकम इज 1,25,000 और मोर देन दैट सो योर पर्सनल अलाउंस विल बी 0। देख लें, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, एज इनकम इज 1,25,000 और मोर सो पर्सनल अलाउंस इज 0। तो आपको एग्जामिनर वर्किंग ना करने के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं देगा, कहेगा बच्चे को पता है कि वर्किंग किस तरह से की, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई वर्किंग करता है तो अपना टाइम जाया करता है। सो वर्किंग कहां पर करनी है? जहां पर आपकी नेट इनकम 1,00,000 से ज्यादा हो और 1,25,000 से कम हो तो आप वर्किंग करके दिखाएं, वरना आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं। मसलन अब मैं आपको एक सवाल दे दूं और कहूं कि आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट इनकम है आपकी 1,40,000, तो आपको पर्सनल अलाउंस देखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट उठाएं और इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल दें। सो टेकिंग एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू कैन सी, मैं आपको कहता हूं कि एक शख्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम, बस लास्ट एक शख्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रही है हमारे पास 1,50,000। बताएं उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो आप कहेंगे कि यार नॉन सेविंग इनकम है, ठीक है नॉन सेविंग इनकम है, क्या पर्सनल अलाउंस मिलेगा? तो आप कहेंगे यार इसकी नेट इनकम तो 1,00,000 से ज्यादा है, ठीक है 1,25,000 से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हमने यहीं पर कंक्लूड कर लिया कि इसका पर्सनल अलाउंस क्या होगा, इसका पर्सनल अलाउंस होगा 0। इतनी एबिलिटी आ जानी चाहिए कि आप इनकम देखकर इसका पर्सनल अलाउंस जज कर लें। तो अब अगर इसका पर्सनल अलाउंस 0 हो गया तो इसकी टोटल इनकम भी 1,50,000, इसकी नेट इनकम भी 1,50,000 और इसकी टैक्सेबल इनकम भी 1,50,000 आ गई। तो अब हम इसकी टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट करेंगे वो 1,50,000 रुपए करेंगे और हम कहेंगे कि जो बंदा है ये 1,50,000 के ऊपर टैक्स देगा। तो अप टू का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है 37,500 के ऊपर ये कितना टैक्स देगा? ये 20% टैक्स देगा जो कि बनता है 7,500। और एडिशनल और एक्सेस जो ये टैक्स देगा वो एक्सेस टैक्स कितना बनता है? 1,50,000 से, तो ये 1,12,500 बनता है और इस एक्सेस के ऊपर ये डबल टैक्स देगा। और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करने जाऊं, लेट मी जस्ट कैलकुलेट, तो ये बनेगा आपका, अल्लाह भला करे, 1,12,500 को मल्टीप्लाई करूं 0.4 से तो ये बनता है 45,000। सो अब आप इजीली कह सकते हैं कि 45,000 प्लस 7,500 सो इट्स बिकम्स 52,500 की टैक्स लायबिलिटी इस बंदे को या बंदी को पे करनी है। तो इस लेक्चर में जो आज हमने